बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर आए जिन्हें लगा कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। नंबर वन, बॉलीवुड के सबसे फेमस डायरेक्टर करण जौहर को याद करना तो बनता है। इनकी फिल्मों ने ना जाने कितनी जनरेशन को प्यार करना सिखा दिया। कारण दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया था और फिर उन्होंने खुद से फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसके बाद इन्होंने शाहरुख खान को लव का सिंबल बना दिया। नंबर टू, राजकुमार हिरानी। इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दों पर और सिचुएशन पर फिल्म बनाई है जिनके बारे में लोग बात तक नहीं करना चाहते। इनकी फिल्म मुन्ना भाई, MBBS, 3 Idiots और पीके को आखिर कौन भूल सकता है। ये जब भी किसी फिल्म को बनाते हैं तो उससे कुछ सोशल चेंज आता ही है और साथ ही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्म हिट होना एकदम तय होता है। नंबर थ्री, राजमौली जी। दोस्तों, जिन्होंने बाहुबली और आरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, ये किसी भी कहानी पर ऐसी फिल्म बना देते हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनकी फिल्म मक्खी तो आपने देखी ही होगी, जिसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अलग था जिसे कोई आसानी से सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इनका डायरेक्शन इतना ज्यादा रिच होता है कि लोग स्क्रीन से आंखें भी नहीं हटा सकते। इनकी फिल्म बाहुबली और RR का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वैसे आपको राजमौली जी की कौन सी फिल्म पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।